हेलो एवरीवन, दिस इज मी कोमल अक्रम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रेसिपी है वो है पानी पूरी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हमने लिया एक बॉल और उसमें डालेंगे हम एक कप सूजी। देन हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा। उसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। आई ऑलवेज यूज बेकिंग पाउडर ऑफ दिस कंपनी। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट और इसको गूंद लेंगे बिल्कुल आटे की तरह पानी से, और इसको छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए कवर अप करके। सो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और इसको दोबारा से हम आटे की तरह गूंद लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी सिर्फ 4 ही इसमें यूज़ होते हैं। सो हमने डस्ट कर लिया है और इसको बेल लेंगे हम बिल्कुल पतला रोटी की तरह। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख, बिल्कुल बारीक बेलना चाहिए। अगर बिल्कुल बारीक बेलेंगे तभी हमारे गोलगप्पे जो है वो फूलेंगे। सो आप देख रहे हैं बहुत ही पतला मैं बेल रही हूँ यहाँ पे, और कुकीज़ कटर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल वे है कुकीज़ कटर यूज़ करके, तो आप अपने गोलगप्पे बना सकते हैं या पानी पूरी, वट एवर यू कॉल यू कैन कॉल इट। सो तेल गरम हो चुका है और हमने इसमें डाल दिया है गोलगप्पा, और आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी तरह से फूल गया है और बिल्कुल जो ऑयल है वो गरम होना चाहिए एकदम हाई हीट पे। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जब भी आप पानी पूरी बनाएं तो जो ऑयल है वो हाई फ्लेम पे या हाई हीट पे गरम होना चाहिए। सो सारे गोलगप्पों को हम इसी तरह से कर लेंगे फ्राई, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे फूले हैं और कलर जो है वो भी बहुत अच्छा आया। सो बाकी जो गोलगप्पे हैं उनको भी हम इसी तरह से करेंगे फ्राई 1 बाय 1, और ऊपर से हल्का हल्का हम प्रेस करते जाएंगे। सो हमारे गोलगप्पे जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक पानी पूरी का खट्टा पानी। सो इसके लिए मैंने इमली को भिगोकर रख दिया था और उसका पानी हमने ले लिया है। उसमें ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, और उसके बाद इसमें जाएगा नमक। देन हम इसमें ऐड करेंगे चूरन और इसको कर लेंगे मिक्स। सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं एज यू रिक्वायर्ड। देन हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर और सबको कर लेंगे हम मिक्स। और इसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चाशनी, और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये बन चुकी है हमारी चाशनी, सो इसको भी हम कर लेंगे पानी पूरी के पानी में मिक्स, और आप देखिएगा कि आपका पानी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी।